अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ दुआ मलिक एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड साउंड. आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे. आज मैं बात करने वाली हूँ करियर के हवाले से, उन ख़वातीन के लिए जो कि अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं और उन मर्द हज़रात के लिए जिनके लिए अपने करियर में ब्लॉकेजेस आ रही हैं. उन ब्लॉकेजेस को हल करने के लिए मेरे पास आज कोई 5-6 चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग भी सोचेंगे और ज़रा इनको गौर से सुनेंगे. देखिए, ज़िंदगी में कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग जितने साल हमने अपने करियर में गुजारे हैं, हम कहीं पहुंच नहीं सके या उस जगह नहीं पहुंच सके जहां पे हम पहुंच सकते थे, या हमारे साथ वाले हमसे आगे निकल गए इस वक्त में, या जिन लोगों के साथ मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ या अपने घर में काम कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के बराबर नहीं हूँ या उन लोगों से बेहतर नहीं हूँ. तो एक छोटी सी चीज़ मैंने एक दफ़ा अपनी क्लाइंट को भी बताई थी. वो एक बैंक में जॉब करती थी और वो अपना मसला मेरे साथ डिस्कस कर रही थी. वो ये कहती थी कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे सब लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, मुझसे बेहतर है, और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी स्पीड रखती अपने काम में या अपने फैसलों में या बेहतर फैसले ले लेती तो आज मैं उनसे आगे होती. तो उसको मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई जो कि उस पर बहुत करामत साबित हुई. वो ये थी कि अपने आप से ये पूछिए, ज़रा एक नोटपैड और एक पेन लीजिए और लिखिए कि आप आज से 5 साल पहले कहाँ थे या आज से 10 साल पहले कहाँ थे, और इन 5 या 10 सालों में जितना भी टाइम स्पैन का आपने लिखना है, लिखिए कि इन 5 सालों में या 10 सालों में आपने क्या हासिल किया और आपकी पर्सनालिटी में कितनी चेंजेस आई, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी. देखें, इंसानी दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि हमारा दिमाग जो है वो नेचुरली फाइट और फ्लाइट मोड में होता है. अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जिस तरह एक ऑटो इम्यून सिस्टम सेट किया हुआ होता है जो कि बीमारी से या इन्फेक्शन से खुद लड़ता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग में फाइट एंड फ्लाइट का मोड नेचुरली होता है. यानी कि कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए उसका पहले से हम लोग एक हल सोच लेते हैं, या कोई भी बुराई हमारे साथ ना हो जाए, कोई भी मुश्किल हमारे ऊपर ना आ जाए, इसीलिए हम लोग के अंदर खौफ का इमोशन भी होता है, क्योंकि हम लोग गलत चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं. नेचुरली हम लोग क्या क्या ज़िंदगी में बुरा और गलत या नुकसानदेह हो सकता है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है. आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है बेहतर चीज़ों के बारे में सोचने के लिए. जो जो लर्निंग्स आपको मिली हैं अपने करियर से, अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, उसके बारे में ज़्यादा अगर आप सोचने को अपने माइंड को ट्रेन करें तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी. मेरा जो सवाल था अपने क्लाइंट के साथ वो ये था कि वेयर डू यू स्टैंड टुडे कंपैरेटिवली वेयर यू हैव बिन स्टैंडिंग 5 years back. तुम आज से 5 साल पहले कहाँ खड़ी हुई थी और आज 5 साल बाद तुमने क्या क्या चीज़ें अचीव की, तुम आज से 5 साल पहले क्या जॉब कर रही थी, तुम्हारी बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आई, तुम्हारे घर में क्या क्या चेंजेस आई, और सिर्फ अच्छी चेंजेस बेहतरियाँ तुमने फाइंड आउट करनी है. तो जब हम अपने जहन से ये सवाल करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, तो हमें पता चलता है कि वाकई हमने स्ट्रगल की है, एक जर्नी तय की है, और वाकई मैं आगे आ गया हूँ अपने करियर में भी, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में. और आप बेटर भी फील करते हैं, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है. फिर दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. नील डोनाल्ड का ये एक कोट है, बहुत मशहूर, मुझे उम्मीद है आपने भी सुनी होगी, कि सक्सेस इज़ आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. देखें, जहाँ तक हम लोग फील कर रहे होते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं ये काम करने में, या इससे आगे अगर मैं बढ़ा, अपने बिजनेस को अगर मैंने और ज़्यादा एक्सपेंड किया तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं स्ट्रेस्ड हो जाऊँगा, मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अगर मैं जॉब शुरू कर देती हूँ तो मुझे अपने बच्चों को भी संभालना पड़ेगा. आगे बढ़ने के लिए हमेशा
हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, जब हमने अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करना होता है, जब हमने अपना एक डिस्टर्ब्ड अगर किसी का फैमिली रिलेशनशिप है उसको भी ठीक करना होता है, कुछ भी करना होता है, जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है तो हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, जिसमें हमें तकलीफ़ भी होती है, जिसमें परेशानियों का, ऑब्स्टेकल्स का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें हर्डल्स का भी सामना करना पड़ता है, मगर आपकी लर्निंग्स भी बढ़ जाती हैं, आपकी सीख भी बढ़ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आप पे, हर इंसान पे उसकी सख्त से ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं डालता, उसकी सख्त से ज़्यादा परेशानियाँ नहीं डालता। तो जान लीजिए कि जिन भी परेशानियों का आप सामना करेंगे अपने बिज़नेस को ग्रो करते हुए, अपनी फैमिली को बेहतर बनाते हुए, अपनी जॉब को बेहतर बनाते हुए, जिन भी परेशानियों का आप सामना करेंगी, जैसे कुछ ख़वातीन को ये होता है कि अगर मैं बाहर निकल गई अपनी कुछ हुनर सीखने के लिए, या कोई मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, या मर्द हज़रात को ये होता है कि अगर मैंने अपनी बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो किया तो मेरा बिज़नेस देखेगा कौन, मैं तो एक अकेला बंदा हूँ, मैं मेरे ऊपर तो परेशानी आ जाएगी। तो अल्लाह ताला जब वो परेशानी डालेगा तो उसका हल भी तभी तलाश कर पाएंगे जब वो सिचुएशन से आप उस सिचुएशन से गुजरेंगे। अच्छा, फिर एक चीज़ आ जाती है उन लोगों के लिए जो कि कुछ नया करने का सोचते हैं, और जब भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं तो हम ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यू नो मैं अब 20 साल का हो गया हूँ, या मैं 30 साल का हो गया हूँ, या मैं 40 साल की हो गई हूँ या हो गया हूँ, नाउ इट इज़ टू लेट टू स्टार्ट अ करियर, टू स्टार्ट ऑल ओवर न्यू। तो ज़रा जल्दी से आप लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद गूगल करना है सक्सेसफुल पीपल हु स्टार्टेड देयर जर्नी एंड करियर आफ्टर द एज ऑफ 30। फोर्ड गाड़ी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, यू नो दुनिया की सबसे पॉश गाड़ियों में से एक है। इसका जो ओनर है उसने ये कंपनी स्टार्ट की थी और ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 30 साल की उम्र के बाद, जो KFC आज आप खाते हैं, और आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं और आपको पता होता है कि कुछ मिला ना मिला KFC ज़रूर मिलेगा। वो जो ओनर थे KFC के, वो तो 40 साल से भी ज़्यादा बड़ी उम्र के एक यू नो इंडिविजुअल थे, और उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और आज सारी दुनिया में आपको KFC की फ्रेंचाइज मिलेगी, आपके लिए अवेलेबल होगी, और इस तरह की बेतहाशा नाम, कामयाब नाम आपके सामने आ पाएंगे जब आप गूगल करेंगे उन लोगों को जिन्होंने 30 साल की उम्र के बाद अपना करियर स्टार्ट किया। सो इट्स नेवर टू लेट। इसके बाद हम आते हैं नर्वसनेस की तरफ। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वो दायरा, वो कंफर्ट का दायरा, वो सुकून का दायरा जो आपने क्रिएट किया होता है कि हाँ बस इतना ही मुझे काम करना है, मुझे आगे ग्रो नहीं करना, बिकॉज मैं खुश हूँ इसी में, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ या करती हूँ और मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना। मगर जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे अब इससे ज़्यादा करना है और मुझे मल्टी इनकम चाहिए और मुझे इससे ज़्यादा बढ़ना है आगे ज़िंदगी में, मैं इससे ज़्यादा कामयाब हो सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या फीलिंग आपके अंदर डेवलप होती है? नर्वसनेस की। तो जान लीजिएगा कि जब आप नर्वस फील करें तो यानी कि आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम कर रहे हैं। जब आप नर्वस कब इंसान फील करता है? नर्वस तब इंसान फील करता है जब आगे 1000 लोगों का मजमा हो और आपको स्टेज पे जाके कुछ बोलना हो। नर्वस इंसान तब फील करता है जब, मैं आपको मिसालें दे रही हूँ, जब आप टीवी पे आके बैठते हैं और या आप कोई पिक्चर खिंचवा रहे होते हैं और आपको पता होता है कि वो पिक्चर सबने देखनी है। सो नर्वसनेस अराइजेज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग बिग, समथिंग यू नो ग्रेटर देन बिफोर, जो चीज़ें आपने पहले नहीं की होती। ज़िंदगी में कितनी चीज़ें आपने पहले नहीं की होती हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है, जब वो पैदा होता है तो उसको बैठना नहीं आता है, जब वो बैठने लगता है तो डगमगा भी रहा होता है और नर्वस फील कर रहा होता है, फिर जब वो चलना शुरू करता है तो वो गिर जाता है, फिर वो खड़े होते हुए डरता है, मगर एक वक्त आता है कि हम सब चलना शुरू कर देते हैं। तो नर्वसनेस मीन्स कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, और नर्वसनेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए। इसके बाद आते हैं लर्निंग की तरफ। ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने सीखी वो थी लर्निंग। हम लोगों को, अच्छा लर्निंग को मैं बहुत सारे जावियों में बयान करूँगी,
सबसे पहली चीज़ तो हम ये सीखते हैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी कि मार्केट इंटेलिजेंस होना चाहिए. जो काम आप कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि कितने लोग ये हैं. जैसे कोई खातून अगर ज्वेलरी बना रही हैं या कोई मर्द अगर सीमेंट बेच रहा है, यू नो फॉर एग्जांपल, तो वो सबसे पहले क्या देखता है कि मेरी सोसाइटी में या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कौन कौन बंदा ये काम कर रहा है और वो किन किन रेट्स पे ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें भी लर्निंग के अंदर शामिल होती हैं. लर्निंग के अंदर फेलियर भी शामिल होता है. सबसे बड़ी लर्निंग जो है वो फेलियर है. जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइफ कोच ये कहता है कि अपनी डिक्शनरी में जो दो लफ्ज़ हम लोग रखते हैं, सक्सेस या फेलियर, कामयाबी या हार, उस हार को सीख में तब्दील कर दीजिए. यानी कि ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबी होती है या सीख होती है. तो जब भी आपको लगेगा कि आपको फेलियर मिला है या आप हार मिली है, तो आपको ये पता चलेगा कि इस हार से मैंने क्या क्या सीखा और अगली दफ़ा मैं और बेटर कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ. आखिरी बात जो कि 6th नंबर पे है और लास्ट भी है, याद रखिएगा कि कामयाब होने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता और हार मान जाने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता. तो ज़िंदगी में अगर आपने हार मान ली तो मतलब आप कामयाब हो ही नहीं सकते. तो यू नो इट्स ऑल अबाउट डूइंग इट ऑल ओवर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आज मैं एक पिक्चर देख रही थी जिस पे ये कोट लिखी थी कि पत्थर तोड़ते हुए जब हम उसको बार बार चोट मारते हैं तो वो आखिरी चोट होती है जो पत्थर तोड़ देती है. इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली जो 25 या 20 चोटें आपने उस पत्थर को मारी हैं वो किसी काम की नहीं थी. सो इट्स ऑल अबाउट डूइंग इट ऑल ओवर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बार बार वही काम करना है आपने जब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं होती उस काम में. हर बार आप बेटर होंगे, हर बार आप बेहतर होंगे, हर बार आप कुछ लर्न करेंगे. सो दिस वॉज फॉर ऑल द पीपल जो कि अपने करियर में कुछ काउंसलिंग हासिल करना चाहते हैं. और करियर कोचिंग के लिए मेरे वीडियो पे नीचे एक नंबर होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं. अगर आपको करियर कोचिंग के 12 सेशंस चाहिए तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए. मेरी टीम मुझ तक आपका पैगाम पहुँचाएगी. एंड आई होप कि आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और बल्कि पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी. थैंक यू सो मच.